नमस्कार दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम वेजिटेबल पैनकेक की रेसिपी लेके आए हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और इसमें भरपूर मात्रा में सब्जियां होती हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है और उनको बहुत पसंद भी आएगा। अगर आप इसको पैन में नहीं बना सकते या पैन नहीं है किसी वजह से आपके पास, तो मैं इसको आखिर में वीडियो के एंड में इसको तवे पे भी बनाना सिखाऊंगी और आपके साथ इसकी जो ट्रिक और टिप्स होती हैं वो भी शेयर करूंगी और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वेजिटेबल पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कटोरी चावल लिए हैं। ये चावल जो खिचड़ी वाले चावल होते हैं वही चावल मैंने लिए हैं। अच्छा होगा कि आप खिचड़ी वाले चावल ही लें। अगर वो सिंपल चावल आपके पास नहीं है तो आप दूसरे चावल भी ले सकते हो। अब मैंने इन चावलों को अच्छे से धो लिया है और धो के अब मैं इनको 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूंगी। आप अच्छे से धो के 2-3 बार आप अच्छे से धोएं और उसके बाद 2 से 3 घंटे भीगने के लिए इनको रख दें। आप देख सकते हैं 2-3 घंटे हो गए हैं और हमारे चावल अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। मैंने इसमें आधा चावल डाल लिया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्ची काट के डाल देंगे। तीन चार कलियां लहसुन की डाल देंगे इसमें। और जब भी ये आधा पीस जाएगा तो हम इसमें 2 उबले हुए आलू डाल के इसको पीसेंगे। ये आधा पीस गया है, अब हम इसमें 1 आलू डाल देंगे और दूसरा आलू हम दूसरी बार वाले में डाल के पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसको पीस लिया है। जब आप इसको आलू डाल के पीसेंगे तब ये थिक हो जाता है, तो आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। मैंने इसमें पानी डाला है, 1/2 कप के लगभग मेरा पानी लग गया है, कप मतलब चाय वाला कप। तो फिर आप देख लीजिए, आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। जब तक ऐसी नहीं आती तब तक आप पानी डाल के पीस सकते हैं। हम दूसरी बार का भी डाल के पीस लेंगे। मैंने इसको दूसरी बार भी पीस लिया है। यहाँ पे हमने आलू इसलिए डाले हैं कि जो हम पैनकेक बनाने जा रहे हैं वो आलू डालने से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और दूसरा वो उसका मतलब वो फ्लफी बनेगा, इसलिए हमें 2 उबले हुए आलू डालने हैं। अब हम इस बैटर को भी इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने बैटर के हिसाब से, जितना आपका बैटर है और जितना आपको नमक चाहिए उसी हिसाब से आप नमक डाल लीजिए। क्योंकि हमने हरी मिर्ची डाली थी तो थोड़ी सी ही लाल मिर्ची हम डालेंगे। 1 चम्मच धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर। क्योंकि हमें पैनकेक स्पाइसी बनाना है तो हम मसाले भी डाल देंगे, गरम मसाला। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। क्योंकि हमारे पैनकेक का नाम ही वेजिटेबल पैनकेक है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल कट कर ली है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी वेजिटेबल आप लोगे अपनी पसंद से लोगे, लेकिन वो बिल्कुल बारीक कटी हुई होनी चाहिए। मैंने सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये मैंने बीन्स ली हैं थोड़ी सी काट के, 1 बड़ा प्याज लिया है, 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च को काट लिया है। अब हम इसको इस बैटर में मिक्स कर देंगे। जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे धनिया पत्ता या फिर गाजर, मेरे यहाँ अभी धनिया पत्ता नहीं मिल रहा है तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपके पास मिल रहा है तो आप ज़रूर डालें। सब्जियों को इसमें मिक्स कर देंगे। सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको और पानी की ज़रूरत लगती है तो आप पानी डाल लीजिए, क्योंकि हमें पतला बैटर चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसको फैलाने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप देखिए आप थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, 1 या 2 चम्मच मिक्स करेंगे। अब हम पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें 1 चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे।
यही मैंने इसको ऐसे प्लेन करके लिया है चम्मच से, खाने वाले चम्मच से, आप देख सकते हैं। और अगर आपके चम्मच, मेरी चम्मच थोड़ी छोटी है, अगर आपकी चम्मच बड़ी है तो उसको आप आधी चम्मच ही डालिए, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बैटर हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा थिक नहीं है ये। और पैन भी हमारा गर्म हो गया है, हमने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और इसमें मैंने 2-3 बूंदे ऑयल की डाल दी है। तो अब हम बैटर को फैलाएंगे, आप फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें। हम साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे, बिल्कुल ये थोड़ा सा। और अब हम इसको 1.5 से 2 मिनट तक ढक के रख देंगे। फ्लेम आप फिर से याद रखें कि लो टू मीडियम है, आप मीडियम से भी थोड़ा कम ही रखिए। हम इसको ढक के रख देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। 1.5 मिनट हो गई है, हम चेक कर लेते हैं। आप किसी भी स्पैचुला की सहायता से इसको उतार लीजिए, ये इजीली उतर जाता है। और अब हम दूसरी साइड भी 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि पहले तो बैटर ठंडा होता है, अभी बैटर गर्म है तो जल्दी ही पक जाएगा। तो 1 मिनट हम और पकाएंगे। अब 1 मिनट बाद हम फिर से चेक कर लेंगे और स्पैचुला की सहायता से नीचे से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं पक गया है, अब हम इसको उतार लेंगे। आप देख सकते हो हमारा वेजिटेबल पैनकेक बनके तैयार है। इस तरह हम सारे ही पैनकेक बना लेंगे। ये खाने में एकदम हेल्दी है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। इसी तरह से हम दूसरा भी डाल देंगे। और थोड़ा सा इसको फैला देंगे। अगर किसी के पास पैन नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ तवे पे भी इसको बना के दिखा रही हूँ, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं तवे के ऊपर। थोड़े से 2-4 बूंदे ऑयल की डालेंगे और बैटर को फैला देंगे। अब हम इसको ढकने के लिए किसी ढक्कन का यूज करेंगे और इसको 1.5 मिनट तक पकने देंगे। हम हमारे पैनकेक को, सॉरी तवा केक को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो एक साइड से ये पक गया है, अब हम इसको पलट देंगे। इजीली ये उतर जाता है। इस साइड से भी हम इसको 1 मिनट पकने देंगे। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी कितने अच्छे से सीखते हैं। इसको उतार लेंगे और इस तरह हमारे सारे वेजिटेबल पैनकेक बनके तैयार हैं। देखिए हमारा संडे स्पेशल नाश्ता बनके तैयार है और ये बहुत हेल्दी है, टेस्टी है। मैं हर रेसिपी में कोशिश करती हूँ दोस्तों कि हमारी रेसिपी बच्चों के लिए हेल्दी हो, जिससे कि वो सब्जियाँ खा पाए। और इसको बनाना भी आसान है, बस बैटर को आप थोड़ा पतला रखिए और उसको अच्छे से पकने दीजिए। बस 2 ही बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको अच्छे से पकने देना है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।